स्काउटिंग गाइडिंग की गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए मंडल की समीक्षा बैठक संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर के सभागार में आयोजित की गई। लखनऊ से आई राज्य प्रशिक्षण आयुक्त गाइड देविकी कांडपाल के साथ मंडल के चारों जिलों के मुख्य पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर के जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डाइट प्रशिक्षण संस्थान के पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष स्काउट गाइड और गाइड की बैठक का आयोजन होता है, जिसमें अधिक से अधिक लोग स्काउट और गाइड के सदस्य बन सकें, उस पर चर्चा की जाती है। वहीं लखनऊ से आई राज्य प्रशिक्षण आयुक्त गाइड देवकी कांडपाल ने बताया कि स्काउट गाइड सिर्फ स्कूल के बच्चे ही नहीं बल्कि समाज का हर व्यक्ति इससे जुड़ सकता है, वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी लोग जुड़ सकते हैं। इस मौके पर संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने राज्य प्रशिक्षण आयुक्त गाइड देवकी कांडपाल, जिला मुख्य आयुक्त गोरखपुर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जिला सचिव डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में स्काउट गाइड और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त गाइड देवकी कांडपाल ने कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ ड्यूटी है उसको ज़्यादा रखना है और इस बात को शैक्षिक ईयर है शैक्षिक ईयर के हिसाब से बनाइए और उस शैक्षिक ईयर के हिसाब से वो हिसाब किताब पूरे मुद्दों पे चर्चा हुई है। इसका बात क्यों लेकर ये हम लोग हमेशा बैठक करते हैं, ये बैठक इसलिए हुई है कि हमारे जो सदस्य हैं स्काउट और गाइड के, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों को इससे जोड़ा जाए और जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, क्योंकि स्काउट और गाइड जो है हमारा बच्चों में नैतिक विकास के लिए बहुत ही अनिवार्य है और हम लोग इस पर बल देते हैं। आज ये हमारी चारों जनपदों की गोरखपुर मंडल की आज समीक्षा बैठक थी हमारी। इसमें सभी जनपद के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया और जेडी साहब, बेसिक शिक्षा अधिकारी डीआउस और डाइट के प्रचार वगैरह इसमें शामिल थे। स्काउटिंग को कैसे और हम आगे बढ़ा सकते हैं और हम आजीवन सदस्य, ये नहीं कि केवल हमसे जो शिक्षा से संबंधित लोगों को वही जुड़े, डॉक्टर्स, व्यापारी, अन्य लोग भी हमारे साथ इस स्काउटिंग में जुड़ सकते हैं। उनको आगे और जोड़ने के लिए कहा गया, बच्चों में जो नैतिकता बच्चे भूल गए हैं, स्काउटिंग से माध्यम से हम बच्चों को जैसे सफाई अभियान, जल बचाओ अभियान, इन सबको हम स्काउटिंग के माध्यम से बच्चों को हम सिखाएं और उन्हें प्रेरित करें कि हम कैसे इसको जल बचा सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में स्वच्छता आसपास रख सकते हैं। मेरा नाम देवकी शोभित, एसटीसी गाइड, मैं लखनऊ से आई हूँ। समीक्षा बैठक हमारे डॉक्टर प्रभास जी ने ये एक योजना चलाई है कि हमारे जो अधिकारी हैं प्रादेशिक, वो चार चार मंडलों में जाकर इसको स्काउटिंग को आगे बढ़ाएँ। हमारे साथ हमारे एएसओसी स्काउट हीरा लाल जी हैं जिन्होंने इस बैठक को पूरा सहयोग किया, पूरी इस बैठक को अपने मंडल में लोगों को बुलाने में और यहाँ का इसका संचालन करने में पूर्ण उनका सहयोग रहा।